हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आज हम आपको लेके चलेंगे वीरात्रा माता धाम, जो बाड़मेर जिला मुख्यालय से करीब 55 से 60 किलोमीटर दूर चौहटन तहसील के ढोंग गांव में स्थित है। ये एक बहुत पुराना और ऐतिहासिक मंदिर है। ये जब आप ढोंग गांव में पहुँचोगे तो आपको ये प्रोल दिखाई देगी, जो वीरात्रा माता माँ तीर्थ के नाम से है, और ये रास्ता सीधा मंदिर की तरफ जाता है। ये क्षेत्र थार डेजर्ट का हिस्सा है, तो आप मंदिर की यात्रा के दौरान रास्ते में यहाँ का जनजीवन और यहाँ की लोक संस्कृति के बारे में भी जान पाएंगे। यहाँ पे आसपास खेजड़ी के वृक्ष है। यहाँ पे देखा जाए तो पशुपालन के रूप में गाय के साथ साथ बकरी पालन भी बहुयतायत में किया जाता है। इसलिए आपको सड़कों पे बकरियाँ दिखाई देगी। और अब हम पहुँच चुके हैं वीरात्रा माता धाम, और यहाँ पे ये प्रोल का निर्माण किया गया, जो भव्य प्रोल, जहाँ से आपको अंदर की तरफ जाना है। जब हम अंदर की तरफ आएंगे तो हमें दो रास्ते दिखाई देंगे, जो एक ऊपर टीले की तरफ जाता है जहाँ धर्मशाला है, और ये नीचे का रास्ता है एक संकड़ी घाटी से होते हुए मंदिर की तरफ जाता है। पुराने समय में मंदिर को ऐसे ही तलहटी में पहाड़ों के पीछे छुपा के बनाया जाता था, ताकि आक्रांताओं से बचाया जा सके मंदिरों को। जब तक आप मंदिर के करीब नहीं पहुंच पाओगे, तब तक आप मंदिर आपको दिखाई नहीं देगा। अब हम पार्किंग एरिया में पहुंच चुके हैं। यहाँ पे गाड़ी पार्क करने के बाद हम अंदर की तरफ चलेंगे। आज संडे है, इसलिए इतनी चिलचिलाती धूप में भी यात्रियों की अच्छी खासी संख्या पहुंच रही है। ये सामने की तरफ प्याऊ की व्यवस्था की गई है मंदिर की जस्ट सामने की तरफ। और इसी मंदिर के सामने एक स्टोर है जहां से आप प्रसादी ले सकते हैं, और वहां पे आपको मंदिर की ऐतिहासिक जानकारी के बारे में पुस्तिका भी मिलेगी, और अन्य भी कोई जरूरत का सामान है, पानी वगैरह भी आप वहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पे मंदिर की यात्रा की याद में आप लॉकेट वगैरह भी ले सकते हैं यहाँ से स्टोर से, और जरूरत का सामान मिल जाएगा। तो हम अंदर की तरफ चलेंगे कनेक्टिव के मंदिर के अंदर और इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में जानेंगे। कहा जाता है जब उज्जैन के शासक वीर विक्रमादित्य ने अपने शत्रु को पराजित कर लिया था, तो वो विलास माता की यात्रा की 51 शक्तिपीठों में से एक है, जो अभी पाकिस्तान में स्थित है, वहाँ की यात्रा के लिए गए थे। वहाँ से जब लौट रहे थे तो वहाँ से एक मूर्ति लेके आए थे, और तब उन्हें कहा गया था कि जब तक आप उज्जैन नहीं पहुँच जाते तब तक आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। और रास्ते में जब वो ढोंग गाँव के पास में रात्रि विश्राम के लिए रुके, तो सुबह वो रास्ता भटक गए, फिर उन्होंने भूलवश वापस पीछे की तरफ देख लिया, इसलिए वो मूर्ति को अपने साथ उज्जैन नहीं ले जा सके। और उन्होंने ढोंग गांव के पास ही स्थित एक पहाड़ी के ऊपर एक गुफा में माँ वांकल की मूर्ति को स्थापित कर दिया, और कालांतर में फिर वहाँ मंदिर का निर्माण करवाया गया। और जो ये तलहटी मंदिर है, इसके पीछे की कहानी ये है कि यहाँ पे जो गायन वादन का काम करने वाली मंगनियार जाति के कोई वृद्ध थे, उन्होंने माँ वांकल से प्रार्थना की कि हम वृद्ध है और पहाड़ी के ऊपर तक आपके दर्शन के लिए नहीं आ सकते, शरीर साथ नहीं दे रहा है। तो माँ वांकल ने भगत की प्रार्थना सुनी, और रात को एक चमत्कार हुआ। कहा जाता है कि वहाँ से एक पत्थर गिरा, जिसके फूटने से मूर्ति निकली, जिसकी स्थापना इस मंदिर में कालांतर में की गई। ऐसी कहानी यहाँ प्रचलित है। और ये संगमरमर का भव्य मंदिर बनाया गया तलहटी में। यहाँ के आप आसपास के दृश्य को देखेंगे तो रेगिस्तान और पहाड़ का अद्भुत संयोग है। एक तरफ रेतीला रेगिस्तान है, और दूसरी तरफ ये गोलाकार बड़े बड़े विशाल पत्थरों वाले पहाड़ है, और इसी पहाड़ी के तलहटी में मंदिर बनाया गया है। और जब बारिश होती है तो यहाँ पे
झरने चलते और पीछे की तरफ डैम है वो भी भर जाता है, तो यहाँ का दृश्य बहुत मनोहरम हो जाता है। ये मंदिर के सामने की रेलिंग पे बहुत सारी ध्वजाएँ लगाई गई है। ये जब भगत जन अपनी मान्यता अपनी मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो देवी को प्रसन्न करने के लिए ध्वजा चढ़ाते हैं। और इस इन्हीं जस्ट सामने की तरफ ये एक नए मंदिर का निर्माण हो रहा है ऊपर पहाड़ी पर। और आप यदि यहाँ प्रसाद लेके आते हो तो उन्हें मुख्य मंदिर में चढ़ाने की इजाज़त नहीं है, उसके लिए पास में एक यज्ञ कुंड बनाया गया है जहाँ आप नारियल है, स्वीट्स है, मखाने है, जो भी आप लेके आए हो अपनी श्रद्धा से वो चढ़ा सकते हो। पीछे इसकी जाली पे भी आपको ये ध्वजाएँ दिखेगी, आप देवी को यहाँ चढ़ा सकते हो रेलिंग पे, मन्नत के धागे बांध सकते हो। मंदिर के प्रांगण में यज्ञशाला बनाई गई है, इसमें मंदिर के स्थापना दिवस नवरात्रों के दिन यहाँ पे यज्ञ होते हैं, अनुष्ठान होते हैं, उसी के लिए यज्ञशाला बनाई। बहम गढ़ मंदिर यानी कि पहाड़ी पे ऊपर जो पुराना और ऐतिहासिक मंदिर है उसकी तरफ चढ़ेंगे। ये यहाँ से चिड़िया है, यहाँ से हम अब चढ़ेंगे। हालांकि तो काफ़ी सूरज ऊपर की तरफ आ गया, धूप पड़ गई है फिर भी, लेकिन अभी हम चढ़ते हैं ऊपर की तरफ और आपको बताते हैं व्यू। ये पहाड़ बहुत ही विचित्र पहाड़ है यहाँ के, इसके गोलाकार पत्थर ऐसा लगता है कि कई सालों तक ये पानी के अंदर रहे हो। ये भगत जन अपनी श्रद्धा अनुसार जब अपनी मनोकामना पूर्ण होती है या कोई मनोकामना पूर्ण करवाने के लिए देवी माँ को मूर्तियाँ चढ़ाते हैं जो आपको यहाँ रास्ते में दिखेगी। ये पत्थर पे पत्थर रख के ऐसी मान्यता है पहाड़ी मंदिरों की कि ऐसा घरौंदा पत्थर पे पत्थर रख के बनाने से उनकी मनोकामना जल्दी पूर्ण हो जाती है, देवी माँ उनकी जल्दी सुन लेती है, ऐसी मान्यता है। संगमरमर का यहाँ पे प्रोल बनाई गई है चीड़ियों पर ही, यहाँ पर एक नए मंदिर का भी निर्माण करवाया जा रहा है, उसी की भी प्रोल बनाई गई है, बेस पॉइंट के जैसा है यहाँ पे। इसके पीछे की पहाड़ी की तरफ मंदिर है वो, ये इस पहाड़ी को पार करके सामने की पहाड़ी पे जाना पड़ेगा। ये झरने के निशान है, जब बारिश होती है, अच्छी बारिश होती है तो यहाँ से झरने भी चलते हैं। ये सामने से तो इक्के दुक्के लोग ही आ रहे हैं क्योंकि ये वो लोग हैं जो बहुत जल्दी आ गए थे, और कोई ऊपर जाता नहीं दिख रहा है। ये ऊपर तक बकरियाँ आ गई है और ये सामने की तरफ थार रेगिस्तान है, भारत का सबसे मशहूर रेगिस्तान है जिसमें राजस्थान की लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। ये आसपास की ज़मीन है, ये वंकल माता के नाम पे, विरात्रा धाम के नाम पे ओरण है जहाँ पे खेती और वृक्षों की कटाई निषेध है। ये यहाँ के पत्थर बाड़मेर की और पहाड़ियों से अलग है, विरात्रा के ये चोटन के पत्थर पहाड़ कि इसी से आप रेगिस्तान में पानी की स्थिति का पता लगा सकते हो। ये रास्ते में पड़ने वाले वृक्षों पे भी मन्नत की ध्वजाएँ, मन्नत के धागे, उनके जड़ों में देवी माँ की छोटी छोटी प्रतिरूप मूर्तियाँ भी रखी गई है। ये आप कंदराव वाले पत्थर देखिए, विशाल पत्थर जिसमें कंदराए है, शायद ये पानी या हवा की वजह से कंदराओं का निर्माण हुआ है, गहरी कंदराए। ये सामने की तरफ मरुस्थल रेगिस्तान,
रेगिस्तान और पहाड़ों का संगम देखिए। पर एक घंटे की चढ़ाई के बाद अब मंदिर तक पहुंच गए हैं। सामने ये मंदिर ध्वजा देखिए, यहाँ पे भी कमरे बनाए प्याऊ है। यहाँ पे ऊपर आके भी आपको आराम करने की जगह मिल जाएगी, या क्योंकि यहाँ पे धूप ज़्यादा है तो चढ़ाई कम होने के बावजूद भी आपको पता नहीं ये आता है कि क्या व्यवस्था की गई है। यहाँ पे हमें जाल मिली, ये जाल का वृक्ष है, इसके जो फल लगते हैं उसको पीलू कहते हैं यहाँ पे क्षेत्रीय भाषा में, लेकिन नाम तो नहीं मालूम क्या है, लेकिन यहाँ पे ये फल बहुत प्रसिद्ध है। परिंदों के लिए भी पानी की व्यवस्था की गई है। अंकल की मूर्ति है, मुख्य मूर्ति जो ऊपर मंदिर में स्थापित की गई है। तो ये विक्रमादित्य ने स्थापित की, जिसको वीरयात्रा माता कहते हैं। ये काला भैरव है। मंदिर के मुख्य मंदिर के पास में और भी देवरे बने हुए हैं। ये सामने की पहाड़ी पे किसी भगतजी ने त्रिशूल चढ़ाया है और ये मुख्य मंदिर है। इसका हम पूरा व्यू तो नहीं बता सकते क्योंकि ये हम मंदिर के अंदर ही खड़े और इससे आगे जाने की सुविधा नहीं, ये चोटी पे बना हुआ है। इसकी रेलिंग पे भी ये ध्वजाएँ चढ़ा रखी है भगतजनों ने। और यहाँ से आप आसपास का वातावरण भी देखोगे, आसपास का भौगोलिक स्वरूप देखोगे, तो कहा जाता है कि ये पहले समुद्र का अंदरूनी हिस्सा था, ये रेगिस्तान है, ये जगह है। तो आप महसूस आप देख के भी आप ये आपको पता चल जाएगा कि ये रेगिस्तान का अंदरू ये एक समुद्र का अंदरूनी हिस्सा है। यहाँ पे टैथिस सागर हुआ करता था। ये मंदिर है, मुख्य मंदिर। इसके आप मंदिर के थोड़े पीछे की तरफ जाओगे तो आपको एक छोटी सी गुफा दिखाई देगी और यही वो जगह है जहाँ वीर विक्रमादित्य ने आज से लगभग 2,500 साल पहले वीर विक्रमादित्य ने यहाँ पे माँ वांकल की मूर्ति को छिपा के रखा था। यहाँ पे रख के वो मूर्ति को गए थे, फिर कालांतर में मंदिर ऊपर बना और नीचे तलहटी में मंदिर बनाया गया, लेकिन मुख्य यही जगह थी। और ये आप देखिए समुंदर का हिस्सा जो सूख गया, समुंदर ठैतीस सागर का, और ये पहाड़ भी लगते हैं कि कंदराओं को देख के यही लगता है कि ये पानी का अंदरूनी हिस्सा था। आज का व्लॉग हम यहीं समाप्त करेंगे, मिलते हैं अगले व्लॉग में।